हेलो स्टूडेंट्स, ये रेनबो 5 की बुक है मेरे सामने। ये यूपी बोर्ड की इंग्लिश की किताब है, इसको आज पढ़ते हैं। इसके कई सारे चैप्टर हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज इसके अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है, तो स्टूडेंट्स आइए लेसन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और चैप्टर का नाम है द इनोमस टर्निप। इनोमस का मतलब होता है बड़ा, विशाल, अत्यधिक विशाल, और टनिप का मतलब होता है सलजम। तो ये देखते हैं कुछ विशाल बड़े सलजम की कहानी है। जैसे ये चित्र दिया गया है, ये दो लोग कुछ खींच रहे हैं और ये एक सलजम है। सलजम की सब्ज़ी आपने खाई होगी, सलजम की सब्ज़ी बनाई जाती है, तो आपने ज़रूर देखा होगा इसको। तो चलते हैं स्टोरी की ओर। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। यह एक कहानी है ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की, हु प्लांट्स सम टनिप सीड्स, जो पेड़ लगाता है कुछ सलजम के बीज के पेड़ लगाता है या सलजम के बीज बोता है, इन हिज फार्म, अपने खेत में या अपने फार्म में। द टनिप सीड्स ग्रो, जो टनिप सीड हैं, जो सलजम के बीज हैं, वो उग आते हैं या बड़े होते हैं। द टनिप सीड्स ग्रो एंड ग्रो, और वो और बड़े होते चले जाते हैं, पूरे बड़े हो जाते हैं वो। ठीक स्टूडेंट, बहुत धीरे धीरे पढ़िएगा मेरे साथ आराम से, आपको एक एक शब्द समझ में आएगा, क्योंकि आप 5वीं क्लास के हैं। आराम से पढ़ो। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वांट्स, चाहता है, टू पुल अप द इनोमस टनिप, चाहता है क्या, खींचना, द इस विशाल सलजम को खींचना चाहता है। ही ट्राइज, वह कोशिश करता है, टू पुल, खींचने की, इट, इसको, इसको का मतलब इस सलजम को, मैनी टाइम्स, कई बार उसने कोशिश की इसको खींचने की, बट, लेकिन, ही कैन नॉट पुल, वह नहीं खींच पाता है, पुल अप द इनोमस टनिप, इस इतने विशाल सलजम को नहीं खींच पाता है। आगे देखो, एन ओल्ड वोमैन कम्स, एक बूढ़ी महिला आती है, देयर, वहाँ पर एक बूढ़ी महिला आती है, वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, सी आस्क्स द ओल्ड मैन, वह पूछती है बूढ़े आदमी को। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है, ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पे एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। आई वॉन्ट टू पुल अप दिस इनोमस टनिप, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू पुल अप, ऊपर खींचना दिस, यह है इनोमस टनिप, विशाल सलजम को, सेज द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है, किसको, उस महिला को जो यहाँ पे आई थी अभी ऊपर। आई कैन पुल अप दिस इनोमस टनिप एलोन, सेज द ओल्ड वोमैन, वो बूढ़ी महिला कहती है, आई कैन पुल अप, मैं इसको खींच सकती हूँ अप, ऊपर, दिस इनोमस, इस विशाल सलजम को, एलोन मीन्स अकेली, मैं अकेली इस विशाल सलजम को ऊपर खींच सकती हूँ, सेज द ओल्ड वोमैन, बूढ़ी महिला कहती है, नो यू कैन नॉट पुल इट अप एलोन, नहीं तुम नहीं खींच सकती हो इसको अकेली, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, सेज द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वोमैन, बूढ़ा पुरुष और बूढ़ी महिला, पुल्ड, खींचा, एंड पुल्ड, और खींचते गए, बट दे कुड नॉट पुल, लेकिन वो नहीं खींच सके आप ऊपर को, द इनोमस टर्निप, उस विशाल सलजम को ऊपर तक नहीं खींच सके। ए बॉय कम्स देयर, एक लड़का आता है वहाँ पर। ठीक स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत प्यार से आराम से पढ़ते जाइएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक एक शब्द करके। वी वॉन्ट टू पुल अप, हम खींचना चाहते हैं इसको, दिस इनोमस टर्निप, इस विशाल सलजम को, कैन यू हेल्प अस, क्या तुम मदद कर सकते हो, आस्क द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने बालक से पूछा, यस,
आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, सेज द बॉय, लड़के ने कहा। दे पुल्ड एंड पुल्ड, उन्होंने खींचा और खींचते गए, टुगेदर माने साथ साथ, वे लोग मिलकर साथ साथ खींचते गए, बट दे कुड नॉट पुल अप इनोमस टनिप, लेकिन वो नहीं खींच पाए उस विशाल टनिप को। स्टूडेंट्स आप इस में देख रहे होंगे चित्र में, यहाँ पे बूढ़ा पुरुष और बूढ़ी महिला ये दोनों इसको खींच रहे हैं लेकिन नहीं खींच पा रहे हैं। एक बालक आता है, इसके बारे में वर्णन किया जा चुका है। अब ये तीनों मिलके खींच रहे हैं इधर को, तो फिर एक लड़की आ जाती है, तो इसका भी देखते हैं अगले पेज पे क्या है। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इतने में या उसी दौरान। मीनवाइल ए गर्ल कम्स देयर, इतने में एक लड़की वहाँ आती है। विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टनिप, क्या तुम हमारी सहायता करोगे टू पुल अप इसको खींचने में ऊपर, दिस टनिप, दिस टनिप माने इस सलजम को ऊपर खींचने में, क्या तुम हमारी सहायता करोगे। द बॉय आस्क द गर्ल, लड़का उस लड़की से पूछता है, वाई नॉट, क्यों नहीं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं करूँगी जरूर मदद तुम्हारी, डेफिनेटली माने जरूर पक्का, निश्चित रूप से मैं तुम्हारी मदद करूँगी, सेज द गर्ल, लड़की कहती है। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वोमैन, वो बूढ़ा आदमी और वो बूढ़ी महिला और वो लड़का एंड द गर्ल, चारों लोग मिलके क्या करते हैं, पुल्ड एंड पुल्ड, खींचते हैं और खींचते ही चले गए। देखो क्या होता है, अप कम्स द इनोमस टनिप, जो इनोमस टनिप है वो ऊपर आ जाता है, उसको वो खींचने में सफल हो जाते हैं चारों लोग मिलके। जैसा आप फोटो में देख रहे हैं ना, सब लोग ये खींच के ऊपर रख लिया है बड़ा सा। सलजम जमीन के अंदर पैदा होता है, जैसे गाजर और मूली पैदा होती हैं, उसी तरह से सलजम है, तो इन्होंने खींच के इसको बाहर निकाल लिया पूरा ऊपर। Who will cook this turnip? कौन इसको पकाएगा, ताकि so that माने होता है ताकि, we can enjoy eating it, हम इसको खाने में आनंद ले सकें। The old man asks, बूढ़ा आदमी पूछता है, I will cook it, मैं इसको पकाऊंगा, पकाऊंगी। The old woman replies, बूढ़ी महिला उत्तर देती है, मैं इसको पकाऊंगी। She made delicious dish, वह पकाती है इसको स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में, ऑफ द टनिप, इस सलजम की स्वादिष्ट डिश बनाती है, स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। एंड दे ऑल एट, और वे लोग खाते हैं इसको, एंड इन्जॉयड इट, और उसका आनंद लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पे पूरा हुआ, इसके साथ साथ ये वर्ड मीनिंग नीचे दिए हुए हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में उतार लेना पूरी तरह से साफ साफ, ये आपके स्कूल में काम आएंगे। तो ये इनोमस होता है विशाल अत्यधिक, टनिप होता है सलजम, सीड्स बीज हैं, प्लांट्स माने बीज का बोना, और पुल्ड, पुल्ड का मतलब खींचना होता है, खींचा, डेलिशियस मीन्स स्वादिष्ट, और डिस का मतलब व्यंजन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके क्वेश्चन आंसर भी स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, अभी आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चंस हैं, ये प्रश्न उत्तर, ये भी मैं लिख के करवाऊंगा, और आगे की वर्ड पावर है ये भी आपको पूरी करवाऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट इन हिज फार्म, बूढ़े आदमी ने क्या प्लांट किया, क्या बोया अपने खेत में, अपने फार्म में, तो इसका उत्तर आपको लिखना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, इसको जोंक के अपनी कॉपी में उतार लेना वीडियो को रोक के। द ओल्ड मैन प्लांटेड, बूढ़े आदमी ने बोया टनिप सीड, टनिप सीड का मतलब सलजम के बीज, इन हिज फार्म अपने खेत में, तो इसको टनिप सीड्स कर देना स्टूडेंट्स। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा बी क्वेश्चन है, वाई वाज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टनिप, क्यों था मुश्किल ओल्ड मैन बूढ़े आदमी के लिए खींचना टनिप को ऊपर, टनिप को ऊपर खींचना क्यों मुश्किल था, ये दूसरा आपका बी आंसर है। इसका आंसर है द टनिप वाज वेरी इनोमस, ये बहुत ही बड़ा था, विशाल था, सो इसलिए इट वाज डिफ़िकल्ट टू पुल अप,
तो उसको ऊपर खींचना मुश्किल था। स्टूडेंट्स वीडियो को रोक के आराम से पूरा उतार लेना, इसको छोड़ के नहीं जाना। तीसरा सी क्वेश्चन देखें, हु हेल्प्ड हिम, किसने सहायता की उनकी टू पुल अप द इनोमस टनिप, इस विशाल सलजम को उठाने में ऊपर खींचने में किसने सहायता की, तो किस किसने सहायता की उसकी, एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला, बूढ़ा आदमी तो था ही, ए बॉय एंड ए गर्ल हेल्प टू पुल अप दैट इनोमस टनिप, एक बूढ़े आदमी ने, एक लड़के ने, एक लड़की ने सहायता की बूढ़े आदमी की खींचने में उस विशाल टनिप को। तो स्टूडेंट्स ये तीसरा सी का आंसर है। चौथा डी का क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टनिप, किसने तैयार की, अभी आपको चैप्टर में पढ़ाया ऊपर, किसने तैयार की है डिश, याद आ गया होगा किसने तैयार की है, द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला ने तैयार किया या पकाया द डिश ऑफ टनिप, डिश माने व्यंजन, सलजम का जो व्यंजन बनाया, सब्जी बनाई, जो कुछ भी बनाया, वो किसने बनाया, उस बूढ़ी महिला ने। अगला देखते हैं क्वेश्चन, काटते हैं, हु ऑल एट द डिश ऑफ टनिप, किस किसने खाई वो सब्जी, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल, मतलब चारों लोगों ने एट, एट मीन्स ईट का सेकेंड फॉर्म है ये, एट खाई द डिश ऑफ टनिप, टनिप की डिश व्यंजन जो सब्जी बनी हुई थी वो खाई है। स्टूडेंट्स दो मिनट और रुकिए मेरे साथ, इसकी बर्ड पावर और मैं अभी करा देता हूँ आपको, ये आपकी एक्सरसाइज है, बस दो मिनट और लेंगे बस वीडियो में आपके में। वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज डिफरेंट, एक शब्द लिखा हुआ है जो अलग है, सर्कल द ऑड वन आउट, उसको सर्कल बना के आउट करना है। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनमें एक अलग है, उसको अलग करना है आपको। टनिप मीन्स सलजम, पोटैटो मीन्स आलू, टोमेटो मीन्स टमाटर, सनफ्लावर माने सूरजमुखी, और कैरेट मीन्स गाजर, और ब्रिंजल मीन्स बैंगन। तो इन सब में अलग क्या है, ये सारी चीज़ें सब्जियां हैं और ये अपने आप में फूल है, हमें सब्जियों के क्रम में फूल को नहीं रखना है, इसलिए ये अलग है, इसको यहाँ से अलग करते हैं। दूसरा देखो, काओ गाय, हॉर्स घोड़ा, गोट बकरी, फॉक्स लोमड़ी, कंगारू कंगारू होता है, और मेलन, मेलन का मतलब ये तरबूज खरबूज, तो आप किस चीज़ को यहाँ पे रखेंगे, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है, ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पे एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू।